10 बार ये लोग कंप्लेंट कर चुके हैं पर कोई भी इस सीवर को बंद करने नहीं आता, इस पे कोई भी जो है इस समस्या को सुलझाने नहीं आता। जैसे बाहर देशों में एजुकेशन फ्री है ना, और हर एक चीज फ्री है बाहर देशों के अंदर, वो एजुकेशन यहाँ करो ना जी, यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं? ऐसे तो हर कोई कहेगा, बाकी ऐसे कोई फंसा नहीं सकता, इतना मालूम है इतने बड़े केस में कोई किसी को फंसा नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो हाथ होगा कुछ ना कुछ, चाहे कम हो भले ही। देखो जी, जो सत्ता के अंदर होता है ना, वो दूसरी सरकार को गिराने के लिए कोई ना कोई एलिगेशन लगाता है। नहीं किया, ये फ्री का काम बेकार लगता है, फ्री का काम बेकार। हाँ, फ्री पे तो जीत रहे हैं वो, जीतने तो फिर जीतना तो वाले कहते हैं देश तो गुलाम होगा। आपने ली थी एक पेटी? हमने ली बहुत, पेटी तो नहीं ली हमने, एक क्वार्टर की जगह दो लिए, दो की जगह चार लिए। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं रंजीत नगर में मौजूद हूँ, शादीपुर के अंदर ये इलाका पड़ता है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व काफी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लोग काफी पसंद करते हैं और कहते हैं कि काम बहुत अच्छा किया 10 साल में। तो ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने कैसे काम किया दिल्ली में? दिल्ली में बहुत बढ़िया काम किया अरविंद केजरीवाल ने, राशन फ्री था, बिजली का बिल फ्री था, और स्कूल में बच्चों की सुविधा अच्छी थी, स्कूल की सुविधाएं थी। अब हमारा पोता पढ़ता है, उसी ना कापी किताब मिलती है ना ड्रेस मिलती है, और इन्होंने एक ही काम किया था कि सीनियर सिटीजन ने टिकट फ्री होनी। अच्छा, वो चाहते हैं? हाँ, और लेकिन लेडीज ही गई इन्होंने टिकट फ्री। अच्छा, कंडक्टर भी क्या करेगा, जैसे मैं पहले चढ़ गया लेडीज बाद में आई, पहले लेडीज को टिकट देगा, मैं कहूँ भाई हमें दे टिकट, हम पहले आए। हाँ, अच्छा काम करा केजरीवाल ने। जेल में जो बंद है उसको क्या कहना, और गलत तरीके से बंद करा उसको, कैसे गलत तरीके से? भ्रष्टाचार भी तो किया है। हाँ, भ्रष्टाचार से पर सारा आरोप लगाया, शराब घोटाला किया अपना बड़ा घोटाला। हाँ, शराब घोटाला तो करता है। हाँ, उससे तो पब्लिक को फायदा था ना, जो कम पीने वाला था वो ज्यादा पीने लग गया था। आपने ली थी एक पेटी? हमने ली बहुत, पेटी तो नहीं ली हमने, एक क्वार्टर की जगह दो लिए, दो की जगह चार लिए। आप लोगों की वजह से केजरीवाल फंस गए। हाँ, मेरी वजह से या पूरे हिंदुस्तान में करिए। हाँ, कोई मेरे अकेले वजह से ना हुआ, तो एक एक करके काम तो अच्छा था उसका केजरीवाल का। क्या लग रहा है, जेल से वापस आ पाएंगे? नहीं, आना तो चाहिए उसको, जेल से आना चाहिए। लग रहा है विधानसभा चुनाव से पहले? हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले आना चाहिए, और आए तो इलेक्शन भी लड़े। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार कहते थे अपने आप को, अब भ्रष्टाचार में फंसे हुए। अब लोग कोई किस पे इल्जाम लगा रहा है, कोई क्या इल्जाम लगा रहा है, कोई पता है? हाँ, सही था बेचारा, मतलब काम काज सही चल रहा है बेटा। और अरविंद केजरीवाल ने कुछ सुविधाएं दी आपको फ्री में? सुविधाएं फ्री में क्या दी, बस की सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं हैं, बिजली का बिल सुविधा है। मैं 65 साल का हो गया हूं, मुझसे पहले वाले जो 40-45 साल के थे पेंशन ले रहे हैं, मेरी अभी तक पेंशन नहीं लगी है, कई दफे चक्कर लगा लिए, पूरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, फिर भी नहीं है पेंशन। कौन से विभाग में आप? मैं विभाग में नहीं, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, झुग्गी में रहता हूँ। नहीं नहीं, नौकरी कहाँ करता? कहीं नहीं नौकरी करता, यही मेरा घर है झुग्गी में, मैं तो मजदूरी करता हूँ। हाँ, अच्छा, मेरी 65 साल की उम्र है, पेंशन के लिए मैं यहाँ पे गया। हाँ, राजकुमार आनंद के पास भी गया। हाँ, आईटीओ पे भी गया कि अंकल कोई पेंशन नहीं है। राजकुमार आनंद वो अब की बात नहीं है, 1.5 साल पहले ही बात मिला, नहीं मिले हमें कुछ भी नहीं, उम्मीद का था ना भाई पेंशन मिलेगी तो कुछ थोड़ा। मोदी जी कैसा काम कर रहे? मोदी जी का क्या, जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, सबको दिखा कैसा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहा है वो भी। महंगाई की बात करें, महंगाई तो बहुत हो चुकी है, रोजगार वगैरह मिल रहे बच्चों को? मेरे बच्चा का एक लड़का छोटी मोटी नौकरी करता है, ये फ्री का काम बेकार लगता है। फ्री का काम बेकार, फ्री पे तो जीत रहे हैं वो, जीतने तो फिर जीतना तो वाले कहते हैं देश तो गुलाम होगा, देश तो गुलाम होगा ना, फ्री में बांटेंगे सबको, काम चोरी की आदत होगी फ्री में, तो तुम भी देख लो खुद ही, जब कोई फ्री में चीज मिलती है तो ज्यादा यूज करोगे। हाँ, देखिए पैसा जो सरकार का जाएगा वही काम किसी और में आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है जिसको उसको दे फ्री में, पर केजरीवाल को देख देख के अब सभी पार्टियां फ्री में बांट। हाँ, तो ऐसे तो देश बर्बाद होगा, इसीलिए तो देश बर्बाद होगा ना, क्योंकि फ्री में बांटेंगी सब, अपने जीतने के चक्कर में सबको लालच होगा कि मैं जीतू और सत्ता में आके अपना घर भी बनाएंगे और फ्री में करेंगे, जब देश में घाटा होगा तो फिर बिकेगा देश। अच्छा, ईमानदार कट्टर ईमानदार कहते थे अरविंद केजरीवाल खुद को, अब भ्रष्टाचार में ये तो खैर मैं नहीं जानता, आपको क्या लगता है ईमानदार है या चोर है, क्योंकि भाजपा वाले चोर कहते हैं लगातार ऐसे, तो एक दूसरे को कहते हैं चोर, बस ये उसकी आदत गलत है, ये फ्री का चक्कर ना डाले, फ्री का आदत है ना वो ना डाले। हाँ, फ्री की आदत डालना बेकार है, और ये जो जरूरत है फ्री का, वैसे भी फायदा उठा रहे हैं या नहीं? क्या उठा रहे हैं? उठा रहे हैं, मैंने क्या बोला, क्या उठाएंगे? नहीं, आप डबल उठाएंगे और कोई? अच्छा, क्यों नहीं उठाएंगे?
जब मिल रहा तो बाकी नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए दिल्ली के लिए बेहतर कौन सी पार्टी है? ये तो कह भी नहीं सकते, सभी पता नहीं। दिल्ली के लिए ज्यादा काम किसने किया? शीला दीक्षित का नाम दिया था, अरविंद केजरीवाल का दिया था। कंपेयर नहीं कर सकते, बताऊं मैं ऐसा है अपने टाइम में जो भी आती है, कुछ अधूरे काम पड़े होते हैं वो दूसरी सरकार पूरी कर देती है तो नाम उनका आ जाता है। किसी ने शुरुआत की तो उसने भी तो काम किया ना, जो फाइल उनने आगे भेज दी तो उसका मतलब काम तो किया ना, उसके टाइम पे वो उसकी सीट चली गई। बताइए भाजपा वाले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? अच्छा पब्लिक कैसे बता सकती है, बता सकती है पब्लिक आपको? अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं ना कि मुझे फंसाया जा रहा है जानबूझकर, ऐसे तो हर कोई कहेगा, बाकी ऐसे कोई फंसा नहीं सकता, इतना मालूम है इतने बड़े केस में कोई किसी को फंसा नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो हाथ होगा, कुछ ना कुछ चाहे कम हो भले इतना ना हो, मतलब जैसे मैं हूँ ये है हाँ। इनके बारे में कोई बोलेगा चोर है तो चोर नाम है, कुछ ना कुछ तो हेराफेरी करी होगी तभी तो कहेगा, चाहे भले ही उसका फायदा किसी और को दिया हो, ऐसा तो हो सकता है। अरविंद केजरीवाल वाकई में क्या भ्रष्टाचारी है? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, वाले कहते हैं कि चोर है अरविंद केजरीवाल। देखो जी जो सत्ता के अंदर होता है ना वो दूसरी सरकार को गिराने के लिए कोई ना कोई एलिगेशन लगाता है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँ, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ जो कांग्रेस पार्टी ने काम कर दिया ना, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये कांग्रेस की देन है, ये चार मंजिल क्वार्टर है जितने भी ये सब, हाँ शीला दीक्षित की देन है ये जितने भी है। लेकिन कांग्रेस ने जो काम कर दिया, जैसे कॉमनवेल्थ में शीला दीक्षित ने कितना अच्छा काम करा, और क्या बोलते हैं घोटाला भी किया, हाँ जी घोटाला भी किया, घोटाला कौन सा किया था कुछ, लेकिन वो तो साबित तो नहीं हुआ था ना, घोटाला पूरा साबित नहीं हुआ था, वो घोटाला तो किया था साबित नहीं हुआ था, साबित नहीं हुआ था ना। कलमाडी ने मुंह से थोड़ी ना बोला था कि शीला दीक्षित ने घोटाला किया, कलमाडी ने जो भी करा था वो तो कलमाडी ने जो करा था सो करा था, हमारे को देखो घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक क्या चाहती है कि हमारा अगर विधायक या कोई निगम पार्षद आता है तो उसको क्या, पब्लिक के काम क्या होते, हमारे ये सीवर का ढक्कन है देखो जी इसको सही करा दो, ठीक है भाई पानी हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा ये करा दो। आपने शिकायत करी है इसकी? इसकी इसकी शिकायत मैंने तो नहीं करी, यहाँ के लोगों ने करी होगी। किसने करी? हाँ कितना टाइम हो गया शिकायत कर रहे हैं? कितना टाइम हो गया शिकायत? तो 10 बार कर चुके हैं, यहाँ की भी और पानी नहीं आता। देखिए ये तस्वीरें, यहाँ से मुंशी रामबाग का ये मेरा हमारा एरिया लगता है सारा। देखिए यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, ये सीवर है, 10 बार ये लोग कंप्लेंट कर चुके हैं पर कोई भी इस सीवर को बंद करने नहीं आता, इस पर कोई भी जो है इस समस्या को सुलझाने नहीं आता। दिल्ली की समस्या तो देखिए है ही, हर जगह सीवर कहीं खुले मिलेंगे, कहीं गंदगी मिलेगी, कहीं कूड़ा करकट गंदगी का अंबार लगा रहता है, पर कोई नहीं सुनता। विधायक एक बार वोट लेने आ जाते हैं उसके बाद जनता की नहीं सुनते, जब उन्हें वोट लेना होता है तो आते हैं लोगों के बीच वोट मांगते हैं पर उसके बाद इनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती ना। हाँ क्या कहना चाहिए? बात तो देखो जी जैसे अभी केजरीवाल जी जीते थे, इन्होंने एजुकेशन में हर एक चीज में वैसे तो अच्छा काम कर रखा था, मैं नहीं बोलता लोग बोलते जनता बोलती है, और मैं तो राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस की टीम है जब से मैंने उनको देखा है ना, जब से अपनी उम्र संभाली आज मेरी 40 साल की उम्र है, मैं तो उन लोगों की सरकार संभालते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये ठीक है तो तोड़ रहे। एमसीडी के अंदर देखो ना जी, कभी एमसीडी की सैलरी नहीं रुकती थी जब तक कांग्रेस का रास्ता ना, कभी एमसीडी ये कांग्रेस ये एमसीडी से कार्य करते हैं और इनसे पूछिए एमसीडी में काम करते हैं, कभी सैलरी नहीं रुकी। लेकिन अब जो आ रहा है ना सैलरी में बड़ी दिक्कत आ रही है, अभी बीच में केजरीवाल जी ने ले लिया था तो उन्होंने अभी कुछ चलाना शुरू करा है। हाँ और जो केजरीवाल जी गए, अगर उन्होंने कोई घोटाला करा है, लेकिन उनका घोटाला साबित भी तो नहीं कराने लोगों ने, भाई साबित कराओ, कोई एलिगेशन लगाया, कोई पर्चा लाओ, कोई दिखाओ कि आपने यहाँ पे बयान दिया था और आपने ये घोटाला करा। साबित भी नहीं हो, अपने आपको बेगुनाह भी नहीं, हाँ बेगुनाह भी साबित नहीं कर पा रहे। और बीजेपी की ऐसी बात है, मैं बीजेपी की भी कोई ऐसी नहीं बोलना चाहूंगा बीजेपी के बारे में। देखो जो भी सरकार आती है वो अपने मर्जी से काम करती है, बीजेपी आएगी वो अपने तरीके से चलेगी, आम आदमी पार्टी आएगी वो अपने तरीके से चलेगी, और कांग्रेस आएगी वो अपने तरीके से। लेकिन कांग्रेस को मैं नंबर वन पे मानता हूँ, हाँ नंबर वन पे कांग्रेस को मानता हूँ। पर आपने देखा ना सदन में मुख्य प्रधानमंत्री कहते हैं ये झूठ बोलने वाले लोग, झूठ नहीं हो पाएगा, झूठ तो आपस में ये लोग बोलते हैं, अगर ये झूठ नहीं बोलेगा तो उसके ऊपर कैसे लगाएगा एलिगेशन, उस एलिगेशन से बचने के लिए तो वो भी झूठ बोलेगा कि भाई मैंने तेरे पे केस लगाया, उसके ऊपर क्रॉस केस डालो तो तभी तो बंदा बयान बदलेगा। तो ये आपस की लड़ाई हो रही है, लेकिन जनता का बहुत नुकसान हो रहा है, देश पीछे जा रहा है, देश आगे नहीं जा रहा है। मोदी जी कहते विश्व गुरु बन रहे, मोदी जी कैसे कह रहे हैं, मोदी जी अपने आप ही कह रहे होंगे, ऐसे तो मैं भी कहता हूँ कि हमारा तो देश पता नहीं कहाँ पे जा रहा है आगे। 70 साल में जो कांग्रेस के टाइम पे विकास नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ विकास। विकास क्या होता है वैसे,
विकास मतलब कि विकास के नाम पे क्या होता, विकास के नाम पे पता क्या होता जी, जैसे बाहर देशों में एजुकेशन फ्री है ना और हर एक चीज फ्री है बाहर देशों के अंदर, वो एजुकेशन यहाँ करो ना जी, यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं? वो जो कोरोना काल आया था इतने बंदे फंस गए थे, क्यों पढ़ने गए थे वहाँ पे? वो जब यूक्रेन में बम फटे थे या गए थे वहाँ पे क्यों गए थे? अरे अपने देश में पढ़ो ना, यहाँ बाजीराव इतना महंगा क्यों बना रखा है? अरे स्कॉलरशिप दो ना गरीब के बच्चों को भी दो और सबको दो, सबको एक समान करो, कोई ऐसी बात नहीं। अब ये कहते हैं कि मतलब कि जो आरक्षण मिलता है, आरक्षण तो देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के राज का आरक्षण है, उन्होंने वो निकाला था, संविधान जब बनाया था वो संविधान चल रहा है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर संविधान आजकल कोई नहीं मानता है। अगर उसको मानेंगे ना भीमराव जी के अम्बेडकर के संविधान को मांगे तो ये दुनिया पता नहीं कहाँ पे जाएगी। अब देखो ना वो कहते, अगर देखो जैसे वहां पे बीजेपी कहानी आई अयोध्या के अंदर, यही आरक्षण बचाओ आरक्षण बचाओ कह रहे थे ना, अब आरक्षण कैसे बचाए? आरक्षण तो देखो देना पड़ेगा, जो भीमराव जी की आप बात काट दे वही अब मैं काट दूंगा, कोई भी नहीं काट सकता। उन्होंने इतनी डिग्रियां ले रखी थी, बाहर देशों में पढ़कर आए थे, अम्बेसडर भी रह चुके थे वो कई चीज के, अब भीमराव उनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा, विचारों की उनकी धारणा पे कोई नहीं चल रहा, सबसे बड़ी बात ही है। मैं तो यही कहना चाहूंगा बस आपसे, और सबसे बड़ी बात है जनता का काम, जनता के कोई बड़े बड़े काम नहीं होते, जनता क्या कहती है? हाँ सीवर सही करा दो, लाइट हमारी सही करा दो, जनता यूं थोड़ी ना कहती कि आप हमारे को पैसे दे दो या हमारे अकाउंट में पैसे डाल दो, जनता तो काम मांगती है, और उसी के लिए भी बंदे को घुमा दिया जाता है, ऐसा घुमा दिया जाता है वो घूमता ही रहता है। हाँ मेरा मुंशीराम बाग के अंदर मतलब कि वो लगा है, क्या बोलते हैं अभी एंटीना, हाँ टावर लगा है, यहाँ से आप टावर से रेडिएशन आता है ना जी, मैं 10 बारी पीछे भाग लिया, मैं दिल्ली पुलिस को भी ले आया, सबको लेकर आया था मैं यहाँ पे, सबको मैंने इकट्ठा करता, लेकिन दिल्ली पुलिस इसके अंदर क्या करेगी? दिल्ली पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर सकती है ना, वो आए लगाया फिर उन्होंने दोबारा चालू करा लिया, इसमें दिल्ली पुलिस का कसूर नहीं है, ये तो ऊपर के जो आला अधिकारी है जो इसको मतलब की जिन्होंने बढ़ावा दे दिया। आप एक बात बताओ, रेटी ना हमारे आ रहा है, अब लोग वो यूं भी कह रहे तुम्हारे हाथ में फोन है, अरे हमारे हाथ में तो फोन है लेकिन तुमने तो एक पॉइंट बना दिया ना भाई, एक तोप में एक चाकू में तो बड़ा फर्क होता है ना, तोप से कितने सारे बंदे उड़ेंगे, चाकू से इतने सारे बंदे थोड़ी ना उड़ेंगे। तो इन्होंने सारा टावर लगा रखा, मैंने बड़ी मेहनत कर ली थी उसे हटवाने के लिए, सबको बोल दिया मैंने, ठीक है नहीं जी, और सबका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इसी में से बच जाएंगे, सबको मैं बोल चुका हूँ, लेकिन वो टावर नहीं हटा, वो टावर की लड़ाई मैंने बहुत लड़ी। और यहाँ पे जितनी भी है ना देखो, गर्भवती महिला होती है, ठीक है, क्या बुजुर्ग होता है, अस्थमा होता है, सब कुछ होता है, 1000 बीमारियां होती है, उससे क्या होगा, कितना रेडिएशन फैलता है, इन लोगों ने नहीं कुछ भी नहीं, अगर किसी के बारे में कुछ बोल दो तो फिर वो पीछे ही लग जाएगा, नजरअंदाज करता है, हाँ नजरअंदाज करता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, रंजीत नगर में मौजूद थे, यहाँ पर तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। विधायक आते हैं इनसे वोट मांगने के लिए, पर जब इनकी जरूरतें होती हैं, जैसे कि ये सीवर इन्हें ठीक कराना था, 10 बार ये कंप्लेंट कर चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, पर अभी तक ये खुला हुआ है, जब पानी यहाँ से नहीं जाएगा तो कितनी दिक्कत और कितनी गंदी होगी। लेकिन मुद्दा यही है कि अरविंद केजरीवाल लगातार 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं, पर जो काम वो करना चाहते थे, जैसे कि वो बोलते हैं लगातार कि दिल्ली को हमने मॉडल बना दिया, दिल्ली आज भी मॉडल नहीं बन पाई है, लोगों को आज भी गंदगी का, पानी की समस्याओं का, बिजली की समस्याओं का, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर।